नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्या हिमाचल टीवी। मैं हूं नरेंद्र शर्मा करसोग से। आप सभी का दिव्या हिमाचल टीवी पर स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम करसोग में हैं। करसोग से प्रतिभावान गायक ओम प्रकाश कौशल के साथ सुरमई शाम लेकर आए हैं। आप सभी का अच्छा मनोरंजन हो इसका प्रयास किया जाएगा। और ओम प्रकाश जी जो हैं, इनके बारे में दिव्या हिमाचल टीवी के दर्शकों को हम बता दें, परंतु उससे पहले आप सभी से आग्रह है कि दिव्या हिमाचल टीवी के इस लाइव कार्यक्रम को आगे से आगे तुरंत शेयर करें, सहयोग करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्शक जो है हमारे इस कार्यक्रम को देख सकें। घरों में बैठे आप सभी का मनोरंजन हो उसके लिए दिव्या हिमाचल टीवी द्वारा प्रयास किया जा रहा है। उसी के चलते आज की सुरमई शाम एक बार फिर से करसोग में सजी है। तो हम आपको बताना चाहेंगे, जो आज हमारे साथ सुरमई शाम में प्रतिभावान गायक कलाकार हैं, वह ओम प्रकाश कौशल हैं। ये महाविद्यालय निहरी में संगीत प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हैं और सरस्वती का आशीर्वाद लेकर दिन रात रियाज में लगे हैं, पूजा में लगे हैं, ताकि संगीत की पूजा करते हुए दर्शकों को, श्रोताओं को अच्छा संगीत परोसा जा सके, उनका अच्छा मनोरंजन किया जा सके। ये स्थानीय निवासी हैं ओम प्रकाश कौशल जो हैं। इनकी जो पढ़ाई करसोग क्षेत्र से ही हुई है और उसके बाद जो MA MPhil है वह इन्होंने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से की है और वोकल म्यूजिक में MA की शिक्षा प्राप्त की है। यह हम आपको बता दें कि हम इन्हें कॉलेज के टाइम से ही जानते हैं। ये कॉलेज के सभी कार्यक्रमों में अपनी प्रतिभा दिखाते आ रहे हैं और हम इनको कोई लगभग 10 साल से सुनते आ रहे हैं। आजकल ये PhD भी कर रहे हैं, म्यूजिक में कर रहे हैं, ताकि आगे जाकर इस क्षेत्र का नाम और रोशन कर सकें। इन्होंने विश्वविद्यालय में यूथ फेस्टिवल समारोह के दौरान भी कार्यक्रम रखा, वहाँ से हाईली कमेंडेबल जो है इनको कमेंट्स मिले हैं। लाइट म्यूजिक का ऐसा लाइट म्यूजिक गजल में इनको बहुत पसंद किया जाता है। और यहाँ हम आपको बता दें, इनकी पकड़ पहाड़ी में, फिल्मी में तो है ही, परंतु गजल पर गजब की पकड़ है। तो यहाँ हम आपको बता दें कि ये ऑल इंडिया रेडियो से भी मान्यता प्राप्त कलाकार हैं और पिछले लगभग 9 वर्षों से मान्यता प्राप्त हैं। तो आज हम इनके साथ सुरमई शाम सजाएंगे और ये दिव्या हिमाचल टीवी के सभी दर्शकों का अच्छा मनोरंजन कर सकें, उसके लिए हम दिव्या हिमाचल टीवी के दर्शकों की फरमाइशों को भी पूरा करने का प्रयास करेंगे। तो हमारे साथ हैं करसोग के प्रतिभावान गायक ओम प्रकाश कौशल। तो आइए आज हम इनसे बातचीत करते हैं और दिव्या हिमाचल टीवी के दर्शकों का मनोरंजन करने का प्रयास करते हैं। आप सभी से आग्रह है कि जो अभी अभी दिव्या हिमाचल टीवी के साथ जुड़े हैं, वह सभी इस लाइव कार्यक्रम को आगे से आगे शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका आनंद प्राप्त कर सकें। हमारे साथ हैं ओम प्रकाश कौशल जी। ओम जी, आपका दिव्या हिमाचल टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। हम चाहेंगे कि आज सुरमई शाम जो हमने आपके साथ सजाई है, आप हमारे दर्शकों का अच्छा मनोरंजन करें। जी, जरूर मैं कोशिश करूंगा। तो सरस्वती के आशीर्वाद से हम चाहेंगे कि आप कार्यक्रम को शुरू करें। आपके परिवार में और कौन कौन लोग जो है संगीत से प्रेम रखते हैं, या थोड़ा जैसा बताएं संक्षेप में, या बताएं थोड़ा। मेरे परिवार में मेरे दादा बहुत अच्छा बांसुरी बजाते थे, थोड़ा ऊंचा बोलते हैं, और उसके बाद मेरे फादर वो अच्छा गाते हैं और फोक संगीत भी उनकी काफ़ी अच्छी पकड़ है। तो मैं संगीत में एक्चुअली उनकी वजह से हूँ। मैंने कॉलेज टाइम से संगीत स्टार्ट किया है और मैंने नहीं सोचा था कि मैं कभी इस फील्ड में आऊँगा, लेकिन होता है ना, जिसने जहाँ पे जाना होता है तो वो पहुँच जाता है। तो बस माँ सरस्वती का आशीर्वाद था तो मैं इस लाइन पे हूँ। तो आज हम जो शुरुआत करेंगे, ओम जी किस चीज़ से शुरू करने जा रहे हैं? तो मैं सबसे पहले सरस्वती वंदना सुनाता हूँ आपको। माता रानी की नाम से मैं इस कार्यक्रम का शुभारंभ करना चाहूंगा। तो दिव्या हिमाचल टीवी की सुरमई शाम शुरू होने जा रही है।
ओम प्रकाश कौशल जी जो हैं वो सरस्वती वंदना से शुरू करने जा रहे हैं। तो आइए इस कार्यक्रम का आनंद लेते हैं। बहुत मजा आया होगा। किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत वंदना से की जाती है तो दिव्य हिमाचल टीवी के दर्शकों की जो फरमाइशें हैं वो भी आना शुरू हो चुकी हैं। हम आप सभी का स्वागत करते हैं। आपसे प्रार्थना है कि इस लाइव कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते जाएं। तो ओम जी आगे आप हमें क्या सुनाने जा रहे हैं? मैं आपके सामने गजल पेश करना चाहता हूं। दिल में एक लहर सी उठी है अभी, तो ये आपके सामने गजल पेश कर रहा हूँ। हम भी आपसे यही चाहेंगे कि दर्शकों और आपके बीच ज्यादा समय ना रहें, दर्शकों को ज्यादा आनंद आए जी। तो चलिए हम गजल सुनते हैं। रामली साहब की गजल है, दिल में एक लहर सी उठी है। दिल में
दो तीन तरह से आपको बताना चाहूंगा गा के कि लहर किस तरह की हो सकती है। दिल में एक लहर से उठी है अभी, दिल में एक लहर से उठी है अभी, दिल में एक लहर से उठी लहर से उठी है अभी, कोई ताजा हवा चली है अभी, दिल में एक लहर से उठी है अभी। शोर बरपा है खाने दिल में, शोर बरपा है खाने दिल में, कोई दीवार से गिरी है अभी, कोई ताजा दिल में एक लहर से उठी है अभी। करते हैं कि दिव्या हिमाचल के टीवी के जो दर्शक हैं वे भी खूब आनंद ले रहे होंगे। ओम जी प्रतिभावान गायक हैं, इनके आवाज में जादू है, संगीत में जादू तो है ही, इनके आवाज में भी जादू है। ये प्रतिभावान हैं, गुणी हैं और म्यूजिक की काफी आगे तक पढ़ाई कर चुके हैं। हमारी भी शुभकामनाएं इनके साथ रहेंगी और इसी के साथ हम दिव्या हिमाचल टीवी के दर्शकों का और अच्छा मनोरंजन हो इसके लिए हम बताना चाहेंगे कि आगे जाकर हम आपको करसोग की स्थानीय जो पहाड़ी नाटियां हैं वह जरूर सुनाएंगे। आप दिव्या हिमाचल टीवी के साथ जुड़े रहें, आपकी पसंद के फिल्मी तराने भी जरूर सुनाए जाएंगे। तो ओम जी हम चाहेंगे, यह हम आपको एक और बात बताना चाहते हैं कि जो आप तबले पर देख रहे हैं हमारी संगत कर रहे हैं, ये बालक राम जी हैं। पिछले लगभग 25 साल से महाविद्यालय करसोग में कार्यरत हैं और तबले के माध्यम से अपनी प्रतिभा दिखाते आ रहे हैं। कोई भी कार्यक्रम हो, बालक राम जी के बिना महाविद्यालय का सांस्कृतिक कार्यक्रम अधूरा माना जाता है। बालक राम जी इस क्षेत्र के जाने माने तबला वादक हैं, यहाँ तक कि प्रदेश के विभिन्न भागों में भी इन्हें सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए बुलाया जाता है। नामी ग्रामी जो कलाकार हैं वे इनके साथ तबले पर जो है संगत लेकर परफॉर्मेंस देते हैं। तो हम इनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बालक राम जी, आप बहुत प्रतिभा रखते हैं और कॉलेज के लिए आपका बहुत नाम है, हम आपका स्वागत करते हैं। तो ओम जी हम चाहेंगे कि आप कोई गुलाम लीजिए कि जी जरूर, जो भी आपको ठीक लगे, जो हमारे दर्शकों को मनोरंजन कर सके। तो गजल पेश खिदमत है आपके सामने गुलामी साहब की। हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है, उनकी बहुत फेमस गजल है ये।
मैं तेरी मस्त निगाही का भरम रख लूंगा, होश आया भी तो कह दूंगा मुझे होश में। ये अलग बात है साकी कि मुझे होश नहीं, मगर मैं कुछ भी हूँ एहसान फरामोश नहीं। हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है। हंगामा है क्यों बरपा, हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है। दाग तो नहीं डाला, दाग तो नहीं डाला, चोरी तो नहीं की है। हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है। खुद पीते पिलाते हैं और दुनिया को बताते हैं। शेर पे गौर कीजिएगा। खुद पीते पिलाते हैं और दुनिया को बताते हैं। क्या इस शख्स से ना मिलना, इस शख्स से ना मिलना, ये शख्स शराबी है। हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है। मा बाबा धनानी बा मा बा सा धनानी बा मा बा गा मा बा मा बा गा मा रे सा रे सा। हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है, जो पीली है, जो पीली है, जो पीली है। बहुत बहुत धन्यवाद ओम जी, बहुत मजा आ रहा है। हमारे जो दिव्य हिमाचल टीवी के दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं वो बोल रहे हैं कोई फिल्मी तराना बीच में हो जाए, जो भी आप समझे, वो लता जी का, मुकेश जी का, रफी जी का, जो भी आपको ठीक लगे, जिससे हमारे दर्शकों का मनोरंजन हो सके। दर्शकों, हमारा यही प्रयास है कि आपका घर बैठे अच्छा मनोरंजन हो, आप घरों में रहें, सुरक्षित रहें, दिव्य हिमाचल टीवी के साथ जुड़े रहें, पल पल की जानकारी आपको दिव्य हिमाचल टीवी पर मिलती रहे, इसका प्रयास करते हैं हम। आप दिव्य हिमाचल अखबार हमेशा पढ़ते रहें, हमेशा सच के साथ चलें। आपका सभी का बहुत बहुत आभार। तो आइए सुरमई शाम का आनंद जारी रखते हैं, आइए। जना
फूल खिलेंगे। नैनो तेरे कजरार हैं, नैनो पे हम दिल हारे हैं, अनजाने ही तेरे नैनो ने वादे किए कई सारे हैं। सपनों का जहां होगा खिला खिला, बरसेगा सावन दो दिल ऐसे मिलेंगे। आओगे जब तुम वो साजना, अंगना फूल खिलेंगे, अंगना फूल खिलेंगे, अंगना फूल खिलेंगे। हमारे प्यारे दर्शकों, हम आपको सुरमई शाम का पूरा आनंद आ सके इसका हर संभव प्रयास कर रहे हैं और ओम जी बहुत ही सुरीली आवाज से आपको इस कार्यक्रम का आनंद दे रहे हैं। हमारे एक दर्शक हैं हीरा सिंह जी, हीरा सिंह कौशल जी हैं, उनकी मांग है कि हंगामा है क्यों बरपा, दो लाइन, उसके बाद हम आपको पहाड़ी नाटियां सुनाएंगे। तो आप तैयार हो जाएं, करसोग की पहाड़ी नाटियां सुनाएंगे, सिरमौर की सुनाएंगे, कुल्लू की सुनाएंगे, कांगड़ा की सुनाएंगे। उससे पहले दो लाइनें, एक दर्शक हैं हमारे साथ जुड़े, उनकी फरमाइश है हीरा सिंह जी की, हंगामा है क्यों बरपा, चोरी तो नहीं की है। तो आपसे प्रार्थना, वैसे एक बार गा ली थी लेकिन अभी बोला है तो दो लाइनें गाता हूँ। गिर पड़ा जाम यूं हुआ महसूस, उनकी आंखों ने बदुआ दी है, हंगामा है क्यों बरपा, हंगामा है क्यों बरपा, हंगामा है क्यों बरपा। जो पी है डाका तो नहीं डाला, डाका तो नहीं डाला, चोरी तो नहीं की है, हंगामा है क्यों बरपा। थोड़ी सी जो पी हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हैं, आनंद चंद्र किरण हैं जी, इनकी फरमाइश है कि रफी जी का कोई भी दो लाइनें। दिव्या हिमाचल टीवी के दर्शकों से हमारा आग्रह है कि वह इस लाइव कार्यक्रम को आगे से आगे शेयर करें, आपकी हर फरमाइश हम पूरी करने का प्रयास करेंगे, आप हमारे साथ जुड़े रहें। तो रफी जी की जो भी आप ठीक समझते हैं दो लाइनें, क्योंकि हमने पहाड़ी नाटियां भी सुनानी है तो रफी जी की। अभी न जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं, अभी ना जाओ छोड़ के दिल अभी भरा नहीं, अभी अभी तो आई हो बार बन के छाई हो, हवा जरा बहक तो ले, जरा बहक
चले जरा, ये शाम ढल तो ले जरा, ये दिल संभल तो ले जरा, मैं थोड़ी देर जी तो रूं, हंसी के घूंट पी तो लूं, अभी तो कुछ सभी दर्शकों का हम बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं, वे हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं। उन सभी से आग्रह है कि वे इस लाइव कार्यक्रम को आगे से आगे शेयर करते जाएं। अभी हम आपको पहाड़ी नाटियों का जो है वो भी आनंद करवाने जा रहे हैं, स्थानीय करसो की पहाड़ी नाटियां सुनाने का प्रयास करेंगे। इस बार जो माहूनाग दानवीर कर्म देवता श्री मूल माहूनाग जी का मेला कोरोना वायरस की कारण नहीं लग पाया है, तो हम ओम जी से आग्रह करेंगे कि वह जो करसो की बहुत ही प्रख्यात नाटी है, माहूनाग जी को देवता जी को समर्पित है, उस नाटी के दो बोल जो भी आपको हमारे दर्शकों के लिए। नॉनस्टॉप नाटियों में जो है दो दो बोल सबके सुनाएं ताकि हमारे दर्शकों का अच्छा मनोरंजन हो। एक और नाटी है करसो की जो बहुत फेमस है, लड़ी सर जो है, तो वो आपके सामने पेश कर रहा हूँ। लड़ी सर जो शठ बोला पेड़ी सुवाने पंगड़े
हमारे दिव्य हिमाचल टीवी के साथ एक दर्शक जुड़े हैं कृष्ण मुरारी शास्त्री जी, उन्होंने भी लाड़ी सरजुए नाटी की फरमाइश की थी, तो हम उम्मीद करते हैं कि इन्हें पसंद आई होगी। तो आगे आप क्या सुनाने जा रहे हैं? अब मैं थोड़ा सा सिरमौर की तरफ जाता हूँ, सिरमौर की कुछ नाटियां हैं तो उनको मैं ठीक धन्यवाद बहुत बहुत हमारे कांगड़ा से दर्शक जुड़े हैं, वो कांगड़ा की नाटी बोल रहे हैं, तो इसके बाद हम कोशिश करेंगे कि आपको कांगड़ा की नाटी भी जरूर सुनाएं। थोड़ा सा सुना लेता हूं कांगड़े का। आपकी फरमाइश पूरी की जा रही है। हम आपको बता दें कि अनिल डोगरा जी हैं जिन्होंने ये फरमाइश की है कि कांगड़ा की कोई भी नाटी दो बोल आप जरूर सुनाए, तो आपकी फरमाइश पूरी करने का प्रयास किया जा रहा है। आप सभी दिव्य हिमाचल टीवी के साथ जुड़े रहे, इस लाइव कार्यक्रम को आगे जाके शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे यही गुजारिश करेंगे कि कांगड़ा की नाटी जो है इनको इतनी जो है आपकी फरमाइश पूरी करने का प्रयास हुआ है, तो उम्मीद है कि आपका सहयोग आगे भी मिलता रहेगा। तो अभी हम आपको सिरमौर की तरफ लेकर चलते हैं, सिरमौर की नाटी सुनाते हैं। तो ओम प्रकाश जी से आग्रह है कि वह सिरमौर की नाटी हमारे दर्शकों को सुनाए। तेरे हाथों दी सुन कुदाची तेरी पतली कमरे दाची सिरे ढठ कुकड़ा सिमेया सिरे ढठ कुकड़ा सिमेया सिरे ढठ कुकड़ा तेरे हाथों दी छुन कुदाची तेरी पतली कमरे गाची सिरे ढठ कुकड़ा सिमेया सिरे ढठ कुकड़ा सिमेया सिरे ढठ कुकड़ा चालिए बांटने किंदे तू बे चालिए बांटने किंदे तेरे माथे दी सजोली बिंदे तेरे माथे दी सजोली बिंदे गोरे फुलोरी माड़ा सिमेहा गोरे फुलोरी माड़ा सिमेहा गोरे फुलोरी माड़ा। ओम जी, हमारे एक दिव्य हिमाचल टीवी के दर्शक जो है वो बेड़ा तेरियां एक दो लाइन की फरमाइश कर रहे हैं। कुछ करो बेड़ा तेरियां हो चुग गया पाट नील मां बेड़ा तेरियां हो चुग दिया याद नहीं।
दिव्या हिमाचल टीवी के साथ अंकुश संदल ये जुड़े हैं। अच्छा। ये बोल रहे हैं कोई भी दो लाइनें सूफी की। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो। तुम्हें दिल हिमाचल टीवी के दर्शकों को यह सुरमई शाम पसंद आ रही होगी। हम आपकी फरमाइशें पूरी करने का प्रयास भी कर रहे हैं। हमारे दिव्य हिमाचल टीवी के साथ एक दर्शक लता जी का कोई भी जो सॉन्ग है वो सुनने की फरमाइश कर रहे हैं। लता जी का एक सॉन्ग जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है, वो आई थिंक सभी जो संगीतकार हैं जो गायक है उनके लिए बहुत महत्व रखता है। सबसे अधिक मतलब लगता है उनकी आवाज जो भी गायक है। तो मेरे गमों का मरहम नाम गुन जाएगा, चेहरा ये बदल मेरी आवाज ही पहचान है। गर याद रहे नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है। ओम जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दिव्य हिमाचल टीवी को दर्शक जो हैं वो इस कार्यक्रम का खूब आनंद ले रहे हैं, ये ऐसा हमें जो कमेंट आ रहे हैं उसमें भी पता चल रहा है। हमारे दर्शक जो हैं वो कुल्लू की कोई भी नाटी जी, कोई भी नाटी जो हो दो लाइने जरूर सुनाया। बुरा लगा तेरा गे पानी पीना, रोटी किछ भी खाइना, ओरिन 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 तेरी चिट्ठी पत्री आईना। बुरा लगा तेरा गे पानी पीना, रोटी किछ भी खाइना, ओरिन ओरिन हमारे साथ
दर्शक हैं, एक वेद प्रकाश जी हैं, वो रोडू जाना मेरी अभी हैं, दो लाइनें अगर हो सके तो। सब कुछ रोडू जाना मेरी अम्मी है, रोडू जाना हो जाना मेरी अम्मी है, रोडू जाना हो रोडू जाना मेरी अम्मी है, रोडू जाना हो जाना जाना मेरी अम्मी है, रोडू जाना हो। क्रिकेट नहीं खेलना छक्का ना हो, छक्का मेरी हमी है छक्का ना हो, क्रिकेट नहीं खेलना छक्का ना हो, छक्का ना मेरी हमी है छक्का ना हो। हमारे इस कार्यक्रम को प्रदेश से बाहर भी कुछ लोग देख रहे हैं, दिव्य हिमाचल टीवी के दर्शक हमारे साथ जुड़कर हमारा मनोबल बढ़ा रहे हैं। हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हैं राहुल जी, ये भी इस नाटक को बहुत पसंद करते हैं, इन्होंने आपका धन्यवाद किया। अब हम आपकी पसंद सुनना चाहेंगे, जो भी आपको, कोई लता जी का हो जाए, जो भी आपको जो अच्छा लगता है। तो मैं लास्ट में गजल सुनाता हूँ, जो मेरे थोड़ा ज्यादा पसंद है, तो गजल सुन गजल अगर सुनना चाहते हैं तो अगर श्रोता बोले जरा, अगर गजल के लिए थोड़ा सा अगर आप सुनना पसंद करेंगे तो मैं आपके लिए आपके सामने गजल, जो आपको गजल पसंद है जो आपको। थैंक यू। एक मैं आपसे गुजारिश, क्षमा चाहूंगा, आपको बीच में रोका है, जगजीत जी की कोई भी गजल जो आपको पसंद, जरूर से। ठीक है, धन्यवाद। गजल के बोल बहुत सुंदर हैं, सुनते हैं कि मिल जाती है हर चीज दुआ से, एक रोज तुझे मांग के देखेंगे खुदा से। तो पेशे खिदमत है आपके सामने ये गजल। दुनिया भी मिली है, गम दुनिया भी मिला है, वो क्यों नहीं मिलता जिसे मांगा था खुदा से। मिल जाती है हर चीज दुआ से, सुनते हैं कि मिल जाती है हर चीज दुआ से, एक रोज तुम्हें मांग के देखेंगे खुदा से, एक रोज तुम्हें मांग के देखेंगे खुदा से, सुनते आईने में वो अपनी अदा देख रहे हैं, सनी सदनी सारा मामा मामरानी सनी धनी दबा मामरा मामरानी सदनी सारा, सुनते हैं कि मिल जाती है हर चीज दुआ रोज तुम्हें मांग के देखेंगे खुदा से, सुनते हैं।
हमारे दर्शक जो हैं दिव्य हिमाचल टीवी के साथ जुड़े हुए दर्शक, शिमला की महासू की कोई भी नाटी जो आप पूछ शिमला की, अभी कुछ याद नहीं आ रहा है भी। कोई बात नहीं कोई लता जी का जो आपको वो दर्द भरा कुछ करना हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये बात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो, लग जागे के फिर ये हसी रात हो ना हो, टीवी के जो दर्शक हैं वो हमें व्हाट्सएप पर भी जो है अपने संदेश दे रहे हैं, लाइव पर भी संदेश दे रहे हैं। हमारे एक दर्शक हैं मनीष गुप्ता हैं, ये करसोग बाजार से ही हैं। इनका कहना है कि पंकज उदास की कोई गजल जो भी आपको पसंद हो हमारे दर्शक भी सुनना चाहेंगे। हम अपने दर्शकों को बता दें कि ये कार्यक्रम समाप्ति की ओर है। इस गजल के बाद हम कोशिश करेंगे कि कसोग की जो स्थानीय नाटियां हैं जो हर घर में सुनी जाती हैं, हर व्यक्ति उसको गुनगुनाते हैं, तो हम उन नाटियों को भी जरूर सुनाना चाहेंगे। आप दिव्य हिमाचल टीवी के साथ जुड़े रहें, इस लाइव कार्यक्रम को आगे से आगे जल्दी शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए हम पंकज उदास एक गजल के बोल सुनते हैं ओम प्रकाश कौशल जी से। चांदी जैसा रंग है तेरा, चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसी बाहर, चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसी बाहर, एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल, एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल, चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाहर, एक तू ही धनवान है गोरे, बाकी सब कंगाल, जिस रास्ते से तू गुजरे वो फूलों से भर जाए, तेरे पैर की कोमल आहट सोते भाग जाए, जिसको मिल जाए वो हो, तू जिसको मिल जाए वो हो, जाए मालामाल, एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल, चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, एक तुही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। धन्यवाद ओम जी। हमारे एक मित्र हैं राजेश जी,
राजेश जी आपकी फरमाइश जरूर पूरी करेंगे, कोशिश करेंगे जरूर पूरी हो, ये सुनना चाहते हैं वो। हम समाप्ति की ओर जब जाएंगे उसको जरूर सुनाएंगे। ये बोल रहे हैं कि चलते चलते मेरे यह गीत याद, बिल्कुल लास्ट में। तो राजेश जी ये ओम जी जरूर सुनाएंगे, आप हमारे साथ जुड़े रहें। तो हमारे एक दर्शक हैं जी, ये बोल रहे हैं, ये पंडित जी हैं विशाल मणि भारद्वाज उपाध्याय, विशाल मणि उपाध्याय जी हैं, ये बोल रहे हैं कि मारे देखना नजारा हिमाचल का यदि हो सके। थोड़ा सा स्टार्टिंग हिमाचल टीवी के दर्शकों की हर फरमाइश को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं, कहीं कमी रह जाए तो हम क्षमा भी चाहेंगे, कोशिश करेंगे कि अगली बार फिर जो भी आपकी फरमाइश है उसको ध्यान में रख के जरूर पूरा किया जाएगा। वैसे हम कोशिश कर रहे हैं, ओम जी भी प्रयास कर रहे हैं। तो एक हमारे दर्शक हैं ओम जी, राकेश जी हैं जी। ये लता जी का एक सॉन्ग है शायद, आवाज देकर हमें तुम बुलाओ मोहब्बत में इतना, हाँ। राकेश जी कोशिश करते हैं, खुल गए पसंद आया होगा। तो अब यह कार्यक्रम समाप्ति की ओर है, थोड़ी देर के लिए हम आपको पहाड़ी नाटियां सुनाना चाहेंगे जो करसोग की नाटियां हैं। उसके बाद राजेश जी की जो फरमाइश है, चलते चलते मेरे यह गीत याद रखना, तो अवश्य ओम जी पूरा करने का प्रयास करेंगे। राजेश जी आप भी हमारे साथ जुड़े रहें। तो ओम जी जो स्थानीय नाटियां हैं करसोग की, दो चार नटी लागे नच दे ढोल हाँ बोलम बेबू बहू बहू ढोल गुजूरे लगे नटी लागे नच दे ढोल गुजूरे लगे हाँ बोलम बेबू बहू बहू ढोल I'm
दर्शकों का बहुत अच्छा मनोरंजन कर रहे हैं, परंतु समय का बंधन है, तो हम चाहेंगे जो हमारे मित्र हैं राजेश जी हैं, तो आप उनकी पसंद का चलते चलते, हम अभी जा नहीं रहे हैं, आप हमारे साथ जुड़े रहे, तो आपकी नजर है राजेश जी, आपकी नजर है चलते चलते मेरे यह गीत याद रखना। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना करते हैं कि दिव्या हिमाचल टीवी के दर्शकों का आज बहुत अच्छा मनोरंजन हुआ होगा। आप हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए, हमें प्रोत्साहन देने के लिए दिव्या हिमाचल टीवी के साथ हमेशा जुड़े रहे हैं, दिव्या हिमाचल अखबार पढ़ते रहें, आपको हम घर बैठे हर जानकारी देने का प्रयास करते हैं, आपका सहयोग हमारी शक्ति है। तो उम्मीद करते हैं कि आज की सुरमई शाम आप सभी को अवश्य पसंद आई होगी। इसी के साथ हम ओम जी का एक संदेश युवा शक्ति के लिए लेना चाहेंगे, उसके बाद हम इस कार्यक्रम को समाप्त करने की इजाजत चाहेंगे। परंतु उससे पहले संदेश और आप सभी से आग्रह है कि आप सभी दिव्य हिमाचल टीवी के साथ जुड़े रहें, दिव्य हिमाचल के इस लाइव कार्यक्रम को आगे से आगे शेयर करते रहें। तो आइए हम जो प्रतिभावान गायक हैं, बहुत ही सुरीले गायक हैं, तो इनका एक संदेश जो है वो युवा शक्ति के लिए, कोरोना के लिए लेना चाहेंगे, जो आप सब तक पहुंचाएंगे। यही बोलिए। सबसे पहले मैं थैंक्स करना चाहूंगा नरेंद्र शर्मा जी का, थोड़ा अच्छा बोले, जिनके माध्यम से मुझे दिव्य हिमाचल टीवी
पे अपनी प्रस्तुति देने का मौका मिला। तो नरेंद्र शर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरा बस यही संदेश है कि आप घर में रहें, सुरक्षित रहें और जो भी गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस है इसका पालन करें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमेशा दिव्य हिमाचल टीवी के साथ जुड़े रहें, हमेशा दिव्य हिमाचल अखबार पढ़ते रहें। आप सभी का बहुत बहुत आभार। अब हम आपसे इजाजत चाहेंगे, अगली सुरमई शाम फिर से आयोजित होगी, नए कलाकार होंगे। आप सभी का बहुत बहुत आभार, नमस्कार।